तो लीजिए दोस्तों, आज मैं लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार मिठाई की रेसिपी, जिसे आप देखते ही बनाना चाहेंगे। और बना के जब तैयार करोगे और इसे टेस्ट करोगे ना, तो आपको खुद को भी यकीन नहीं आएगा कितनी टेस्टी मिठाई घर में बन जाती है। टेस्ट में बिल्कुल मार्केट की मिठाई की जैसी है ये। और ख़ास बात इस मिठाई की यह है कि इसके लिए ना तो चाशनी बनाना है, ना मावा लेना है, ना चीनी लेना है, ना गुड़ का इस्तेमाल करना है। ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा कम सामान से बन जाती है। तो चलिए इस मिठाई को बनाते हैं। मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, फिर इसमें डाल देंगे 1 गिलास दूध। तो यहाँ पे जो दूध है ना, एकदम प्योर दूध है, हमने इसे गर्म करके और ठंडा कर लिया था, ठंडा दूध का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में यहाँ पे डाल देंगे 1 कटोरी नारियल का बुरादा। तो आपके पास अगर नारियल का बुरादा नहीं है और नारियल है, तो उसे यहाँ पर ग्रेट करके और बारीक से डाल सकते हो, उससे भी ये मिठाई बना के तैयार कर सकते हो। साथ में डाल देंगे 1 कप मिल्क पाउडर। तो ये जो कप है और कटोरी है ना, मेजरमेंट में सेम है, तो आप कप से भी नाप के डाल सकते हो या फिर कटोरी से भी डाल सकते हो। उसी कप से हमने 1 कप मीठे के लिए डाल दिया है मिश्री का पाउडर। तो मीठे के लिए हमने मिश्री का पाउडर यहाँ पे पीस के डाला हुआ है और मिक्सी जार में डाल के इसे पीस लिया था पहले। तो आपको मैंने बताया था कि ना तो चीनी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही यहाँ पर चाशनी का करेंगे, ना गुड़ का करेंगे। तो यहाँ पर हमने मीठे के लिए मिश्री का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, कोई भी लम्स वगैरह छोड़ना नहीं है। और गैस ऑन करके, गैस पर रख के इसे पका लेना है। तो 2 मिनट इसे कंटिन्यू चलाएंगे, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ देंगे तो हमारी जो मिठाई है उसका मिश्रण है ना, वो तले में चिपक जाएगा और मिठाई का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो 2 मिनट इसे इस तरह चलाते रहना है। तो 2 मिनट में इसका जो देख सकते हैं, ये काफ़ी गर्म होना शुरू हो गया है और उबाल जैसा आना लग गया है इसमें। तो और चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर इसे टोटल हो गया 4 मिनट चलाते हुए, और 4 मिनट में इसकी थिकनेस देख सकते हो, काफ़ी गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो आप चाहे तो आप यहाँ पर 10-20 सेकंड के लिए छोड़ सकते हो। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया, एकदम मावा की जैसे थिकनेस दिख रही है इसकी। तो अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच देसी घी। देसी घी से मिठाई का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है और इसकी शाइनिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो मेरे पास जो कढ़ाई है वो यहाँ पे स्टील की कढ़ाई यूज की है मैंने। आप चाहे तो नॉन स्टिक में अगर बनाना चाहते हो और आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है, उसमें मिठाई बना रहे हो, तो यहाँ पर 2 चम्मच घी डाल सकते हो। 2 चम्मच में भी ये मिठाई तैयार कर सकते हो। इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर से मिठाई में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो घी और इलायची पाउडर को इस तरह मिक्स करते हुए और इसे पका लेंगे और मिठाई का जो मिश्रण है उसे गाढ़ा कर लेंगे। ये देखिए, तो अब यहाँ पे गैस की जो फ्लेम है आपको मीडियम रखनी है और मीडियम पे इसे मिठाई को तैयार करना है। देखिए तो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है ये, तो अभी तक ये सेट होने के लिए तैयार नहीं है। अभी इसे 2 मिनट और चलाएँगे। तो 2 मिनट यहाँ पे हम चलाने के बाद हमारा जो मिश्रण है वो तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए 2 मिनट हमने इसे चला के तैयार कर लिया है, और 2 मिनट के बाद देख सकते हैं एकदम डो फॉर्म आ गया। तो इसी तरह से आपको तैयार कर लेना है। अब क्या करेंगे, एक प्लेट में इसे आधा सा निकाल लेंगे। तो आज की जो मिठाई है मैं 2 कलर में बनाने वाली हूँ, आप चाहे तो 1 कलर में भी इसे तैयार कर सकते हो। तो आधा मिश्रण प्लेट में निकाल लिया है और आधे को कढ़ाई में रख लिया है। तो ये कढ़ाई वाला जो मिश्रण है इसमें डाल देंगे फूड कलर, ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। तो आज की जो मिठाई एक 2 लेयर में बना रही हूँ, तो 1 लेयर है ग्रीन फूड कलर मैंने डाल के तैयार किया है और 1 नेचुरल रखेंगे। तो इसे यहाँ पे मिक्स करते हुए तैयार कर लिया। गैस की फ्लेम आप बंद करके इसे सेट करेंगे। तो मिठाई को सेट करने के लिए यहाँ पर हमने केक टैन लिया है और उसके ऊपर लगा दिया है यहाँ पर बटर पेपर कट करके। थोड़ा सा घी डाल के इसे ग्रेस करेंगे। तो आप थाली, प्लेट या फिर ट्रे, किसी का भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हो मिठाई को सेट करने के लिए। तो अच्छी तरह इसे यहाँ पे ग्रेस कर लेंगे एक ब्रश से। ये देखिए, और अब हमारी जो मिठाई है, जो प्लेट में निकाला था वो मिश्रण, वो यहाँ पे डाल देंगे इसमें। तो दोस्तों, आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी को प्रेस ज़रूर करें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन हर वीडियो की आप
सबसे पहले देख पाए। तो अच्छी तरह हमने सेट कर लिया है और ऊपर से जो ग्रीन फूड डाल के तैयार किया है ना, उसे यहाँ पे थोड़ा सा हमने हाथों में फैला के और डाल दिया है और अच्छे से इसे भी सेट कर लेंगे। तो ये मिठाई की रेसिपी आप चाहे तो जब भी मीठा खाने का मन हो तब भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने सेट कर लिया है, अब इसे कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए। तो यहाँ पे 1 घंटा हो गया है और काफ़ी बढ़िया ये सेट हो चुकी है। आप 2 घंटे भी इसे दे सकते हो। मैं 1 घंटे में इसे कट कर रही हूँ और काफ़ी सेट बढ़िया हो गया है। तो अब चारों तरफ से इसे थोड़ा सा चाकू चला लेंगे, उससे क्या होगा ये जल्दी से केक टिन को छोड़ देगा। तो एक रखेंगे ऊपर प्लेट और इसको डिमोल्ड कर लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो बहुत ईजी से ये छोड़ देगा केक टिन को। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने केक टिन को निकाल लिया है और ऊपर से जो बटर पेपर है उसे भी निकाल लेंगे। ये देखिए, तो अब इसे थोड़ा सा पलटी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। तो आपको यहाँ पे किसी भी शेप में ये मिठाई को कट कर सकते हो। तो उससे पहले यहाँ पे मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ डेकोरेट करने के लिए ड्राई फ्रूट, तो थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे। ये देखिए इस तरह, पिस्ता काजू, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है वो यहाँ पे डाल सकते हो और इस मिठाई को सजा सकते हो। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है और अब इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए, तो बहुत ही बढ़िया चाकू चल रहा है और काफ़ी बढ़िया मिठाई है जो सेट हो चुकी है। तो आप इस मिठाई को इस प्रकार तैयार करके एंजॉय कर सकते हो। और रक्षाबंधन आ रही है और तीज आ रही है, किसी भी त्यौहार को बना सकते हो, या फिर आपका मीठा खाने का मन हो रहा हो तो उस टाइम पे भी ये मिठाई बना के तैयार कर सकते हो। तो बाज़ार की जो मिठाई है महंगी वाली, उससे ज़्यादा टेस्टी ये घर में बन के तैयार होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। तो लीजिए, सुपर टेस्टी 2 कलर में हमारी मिठाई बन के तैयार होगी। तो ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ, तो आप कभी भी बना के खा सकते हो। बाय बाय।